नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल संवाद जानवी में। आप लोग जो है हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनको लगातार देख रहे हैं और अच्छा लगता है कि पहाड़ के रीति रिवाज और पहाड़ की संस्कृति से जुड़े हुए जो हम जितने भी वीडियो दिखा रहे हैं उनको आप लगातार पसंद कर रहे हैं। मेरे चैनल पे आपने महेंद्र सिंह घोली जी को देखा होगा, ज़बरदस्त वीडियो है, उन कई मिलेनियम जा चुका है। कई मेरे जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा कि भाई महेंद्र सिंह घोली जी को दिखाइए आप, वो कैसे उन्होंने सीखा, किससे सीखा उन्होंने ढोलमा बजाना। तो मैं आज आपको महेंद्र सिंह घोली जी से मिलाता हूँ और देखते हैं महेंद्र सिंह घोली जी। ये आप देखिए, ये है हमारे उत्तराखंड की शान और हमारे नौली गाँव की शान। ये महेंद्र सिंह घोली जी हैं, उनके साथ ये मसकबाद पर धर्मेंद्र जी है। और महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको जो है पूरे उत्तराखंड में जो है लोग बड़े उससे पसंद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपने जो ये ढोल दमो कला है ये किससे सीखी आपने? ये हमारे अपने पापा और ताऊ जी से सीखी। क्या शुभ नाम है उनका? उनका नाम श्री जीत लाल और मोहन लाल जी। अच्छा अच्छा, कितने साल के थे जब से आपने ये बजा रहे हैं आप, कितने साल से? इसको तो हमने कम से कम मतलब 13 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो जो आप अपना वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे देखते हैं फेसबुक पे देखते हैं, इतने लाखों लोग मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं दिल की गहराई से। हाँ। और सब लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हाँ। और अपनी संस्कृति को लाइक करते हैं और हम भी बचाने की कोशिश में हैं। हाँ। अपनी संस्कृति हमारी बची रहे। जी जी, ये हमारे उत्तराखंड की शान है। जी जी, हमने बचपन से ही देखा है और देखते रहेंगे। जी जी जी, महेंद्र जी नए नए कलाकार आ रहे हैं ढोल दमाओं पर, बहुत सारे लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो जिस तरह से बजा रहे हैं और जिस तरह की ताल और शब्द जो वो बजा रहे हैं, तो लगता है आपको कि मतलब बहुत अच्छा बजा रहे हैं या अभी उसमें सुधार की जरूरत है? थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है। हाँ, जो हमारे मतलब पुराने कलाएं हैं, पुराने शब्द ताल हैं, उनका अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है ना। हाँ हाँ जी जी, इसलिए अभी थोड़ी बहुत कमी है। जी जी जी, और ये कमियाँ मतलब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ, मतलब रियाज करते रहेंगे, बजाते रहेंगे, अपने बुजुर्गों से सीखते रहेंगे। हाँ, तभी जाके ये मतलब संभव है। जी जी जी, जो हमारे पुराने लोग हैं जो पूरी इस कला को थे, जी जी, उनसे हमें ज्ञान लेके तभी हम इन चीज़ों को जी जी आगे बढ़ा सकते। जी जी जी, अभी आप लगभग मतलब लगभग जो है कितनी शादियों में कितने उसमें आप जा चुके होंगे बरातों में आज तक? बहुत मतलब गिनती नहीं है सर। अगर लोगों को प्यार मिलता है आपको तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ हाँ, या लोग हमें लाइक भी करते हैं और हर शुभ कार्य में हमारे ढोल दमों को वाद्य यंत्रों को जो है निमंत्रण करते हैं। जी जी, मतलब शुभ कार्य के लिए मतलब ये शुभ माने जाते हैं, सबसे पवित्र चीज है मतलब। जी जी जी, हमारे ढोल सागर है, ढोल दमो है। जी जी, ये उत्तराखंड में सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। जी जी जी, तो ये है देखिए महेंद्र सिंह घोली जी, ये हमारे उत्तराखंड की शान और नौली हमारे गांव के हैं ये। और अब हम थोड़ा सा इनको इनसे चाहेंगे कि ये थोड़ा हमको जो ढोल की उत्पत्ति है, शब्द है, वो थोड़ा सा बजा के हमको आइए सुनाए। तो महेंद्र जी,